हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने ओल्ड दुपट्टे से ड्रेप ब्लाउज क्रॉप टॉप बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि पिंक कलर का दुपट्टा। सबसे पहले मैं इसे 4x4 में फोल्ड करके इसकी लेंथ मार्क कर लूँगी। तो लेंथ मैंने लिया है 15 इंच। मार्क करने के बाद मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप अपना कोई भी टॉप इसके ऊपर प्लेस कीजिए फोल्डेड साइड पर और अपना आर्म होल साइड 2 इंच छोड़कर आप मार्क कर लीजिए। तो ये मेरा टॉप बहुत ज़्यादा फिटिंग में है तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। अगर आपका टॉप एकदम एग्जैक्ट फिटिंग में तो आप सिर्फ 1/2 इंच या 1 इंच लीजिए। उसके बाद मैं नेक भी ले रही हूँ 4 इंच और 4 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी अपना नेक। तो यहाँ पे मैं वी नेक में मार्क करूँगी क्योंकि हम अपना व्रैप टाइप ब्लाउज बनाएंगे, व्रैपिंग करेंगे ऊपर से ड्रेपिंग, तो इसीलिए वी नेक यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं जो शोल्डर्स हैं हेम कर लूँगी, आर्म होल और नेक 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लूँगी, दोनों साइड्स भी स्टिच कर लूँगी और नीचे का बॉटम भी 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हेम कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ों को हेम कर लिया है। हेम करने के बाद मैं इसे सीधा करूँगी। अब हम बढ़ते हैं इसका ड्रेपिंग ऊपर से ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पिंक फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, फिर फोल्डेड साइड जो ऊपर का है उधर हम अपनी स्लीव कटिंग है तो पीछे और आगे का हम एक साथ कट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने शोल्डर्स के एंड है वो मैंने मार्क कर लिया है और अपने टॉप का एंड दूसरे साइड का वो मार्क कर लिया। उस तरीके से आपको इस तरह का वी शेप देना है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। फिर जो शोल्डर का एंड है वहाँ से हमें अपनी स्लीव्स लेनी रहेगी। तो ये सबसे पहले मैं कट करके निकाल दूंगी, उसके बाद ऊपर से मैं स्लीव के लिए मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया अपना टॉप और यहाँ पे मैं 12 इंच लूंगी अपने शोल्डर से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो वी शेप का है बीच में से जो लाइन है उधर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और वो पूरी स्ट्रेट लाइन में हम थोड़ा थोड़ा फ्रिल्स बना लेंगे, चुन कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में सिलाई मार लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर लिया। उसके बाद अब अपना ब्लाउज़ लेंगे और उसके अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह प्लेस करेंगे जिस तरह हमने मार्किंग की है। स्लीव को हम इस तरह लगा लेंगे और इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमें सिलना है, आगे का भी और पीछे का भी एक साथ। इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे ऊपर से और ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से सिलाई दे दी है। देने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। अगेन हम दूसरी स्लीव भी इसी तरह कटिंग करेंगे और लगाएंगे। तो दूसरी स्लीव के अगेन मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। इस तरह ही मार्किंग करेंगे जैसे हमने पहली स्लीव्स में किया है, और मार्किंग करने के बाद कट करने के बाद बीच में से हमें अगेन वही फ्रिल्स को चुन देना है और उसके बाद हमारे टॉप में प्लेस कर लेना है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड का भी प्लेस कर लिया है। उसके बाद आपको जितना भी जो स्लीव का साइड्स है वो भी 1 इंच अंदर लगा के हेम करना है, और नीचे का बॉटम का जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे आपको प्लेट्स देनी है। इस तरह ड्रेपिंग करनी है, प्लेट्स देना है। इस तरह आप प्लेट्स देंगे पूरे नीचे के फैब्रिक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड्स स्ट्रेच कर लिया है और नीचे भी दोनों साइड्स मैंने ड्रेपिंग दे दी है। अब जो आपका इनर है ब्लाउज़ का उसे आप लेंगे और उसे इस तरह फोल्ड करके आपको दोनों भी ड्रेपिंग जहाँ पे हमने बॉटम पे की है उसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऊपर इनर लूँगी और उसके अंदर इस तरह फोल्ड करके डाल लूँगी तो नीचे से एक बहुत ज़्यादा अच्छा बलून इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है। सो गाइज, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।